बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। अभी मैं बहुत एक स्टोरी देख रही थी, तुर्की के जलजले को बहुत अरसा हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे हाथ से टाइम गुजर चुके हैं, बट आज ही एक मैंने देखा कि एक माँ की स्टोरी थी कि एक माँ ने मलबे के नीचे से अपने बच्चों को कैसे निकलवाया। जब जलजले को गुजरे 5 दिन हो गए और वहाँ मलबा पड़ा हुआ था और एक औरत वहाँ आती है, वो कहती है कि मेरे बच्चे इस दीवार के नीचे हैं। और जब उस दीवार को हटाया गया तो वाकई उसके बच्चे वहाँ थे और उनको जिंदा बचा लिया गया, 4 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। और जब बच्चों को बताया गया कि तुम्हारी माँ ने आके ये इंडिकेशन दी थी और तुम्हारी माँ ने आके बताया, तो तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है, तो बच्चों ने बहुत हैरान होकर कहा कि कौन हमारी माँ खुद लाइक दुनिया से गए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, अब कैसे आप क्या बात कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या आता है इस बात को, मुझे लगता है कि जो ये वाकई उस चीज़ से रिलेट करती है कि जैसे बहुत हम्बल वैसे लोगों का शायद पर्सपेक्टिव हो कि नहीं, माँ बाप को सुनना शायद पता नहीं कोई अनोखी बात होगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट कि मेरी मदर हमेशा इस बात से और बाबा हमेशा इस बात से खुश रहे कि मैंने हमेशा उनको ऑन किया, हमेशा उनकी बात को समझा, हमेशा उनकी बात को रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट दी। और हमेशा ये माना, आज भी मैं ये मानती हूँ कि मेरे माँ बाप का नॉलेज, मेरे माँ बाप की अक्ल समझ मुझसे बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखिए कि जब उन बच्चों ने ये बात की तो उन बच्चों ने कहा कि हमारी माँ को, तो माँ की वो रूह आई थी, माँओं की रूह माँ कहीं नहीं जाती। जो ये बात मेरे ख्याल से इस बात को मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छी तरह बहुत डीपली समझ सकती हूँ कि माएँ वाकई कहीं नहीं जाती हैं, माएँ आपके पास होती हैं। वो बच्चे बदकिस्मत होते हैं जो माओं की ना ज़िंदगी में कदर करते हैं और जो जाने के बाद भी दूसरों को ब्लेम करते हैं, जो दूसरों को ताने मारते हैं कि तुमने माँ की कौन सी ज़िंदगी में माँ बाप की सुनी, तो शायद वो अपने गरेबान में झांक के देखें और सोचें और खुद से सवाल करें कि क्या वाकई उन्होंने अपने माँ बाप को ऑन किया। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ, आज भी मैं उस बच्चे को रिगार्ड करती हूँ, आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि बेटा माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, माँ बाप से बढ़ के दोस्त कोई नहीं है। एक और चीज़, एक दफ़ा मैंने क्लास में पूछा कि आप लोगों की ना अपने टीचर्स से अंडरस्टैंडिंग होती है, ना आप लोगों की अपने पेरेंट्स से होती है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज की इस बच्ची, आज के इस 2023 की बच्ची की बात कर रही हूँ। उस बच्ची ने बहुत प्राउडली अपने फ्रेंड्स के सामने बैठे हुए कहा कि माँ बाप को अक्ल समझ नहीं है, हमारे माँ बाप को समझ होती तो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग होती। तो ये माँ बाप के लिए, आजकल के माँ बाप की ये फिक्रिया, ये फिक्र का लम्हा है कि वो सोचें क्या है उनके पास, वो जो गैप्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, वो क्यों नहीं अपने बच्चों के दोस्त बन पा रहे। आप ये देखें कि माँ और बच्चे का तो रूह का रिश्ता होता है। हमने फिल्मों में ही देखा कि जी माँ की जो बंदा चला जाता है उसका दिल किसी मरने वाले बंदे को लगा दिया जाता है तो उसका दिल धड़कता है। तो मेरी माँ ये कहती थी कि इसके अंदर मेरी जान है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक मैं हूँ मेरी माँ है, और जब मैं नहीं रहूँगी ऑफकोर्स हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, तो मामा मेरे साथ, यानी कि लाइक मामा की रूह, मामा की जान मेरे साथ अभी भी है। तो थैंक यू सो मच मामा फॉर योर ऑल टाइम लव, फॉर योर ऑल टाइम केयर। एंड आई नो मुझे तुर्की की माँ की जो स्टोरी है वो माँ की सच्ची स्टोरी है, क्योंकि रीज़न ये आती है माएँ कहीं नहीं जाती, माएँ अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी होती हैं और मेरी माँ भी मेरे साथ हमेशा खड़ी है। थैंक यू सो मच मामा।